Hi guys, I am Anvita Dwivedi from Target for IQ and welcome to our company law video series.

कंपनी uh, के बारे में या कंपनी के uh, बाकी कंपनी uh, से रिलेटेड बाकी मैटर्स को समझने में आसानी हो तो आज के हम टॉपिक पे uh, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी के निगमन से जो लाभ और हानि होता है कंपनी uh, के uh, जब हम किसी भी कंपनी को निगमित कराते हैं इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो इससे हमें कुछ लाभ होते हैं और इस इनकॉर्पोरेशन में कुछ हानियाँ भी होती हैं कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जो कि uh, हम ऐसा फील करते हैं कि अगर कंपनी निगमित ना होती तो शायद वो डिसएडवांटेजेस ना होते बट कंपनी को निगमित कराना ज़रूरी है क्योंकि uh, इसके लाभ ज़्यादा हैं और हानियाँ कम हैं तो uh, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कंपनी एंड

तो देखिए पहले मैं कंपनी की डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूँ मैंने कंपनी की डेफिनेशन पहले भी बताई हुई है पर मैं दोबारा से इसलिए बता देती हूँ डेफिनीशन्स वग़ैरह जो भी इंपॉर्टेंट होती हैं जब मैं उस टॉपिक से डील कर रही होती हूँ इसलिए ताकि आपको याद होती चले क्योंकि जितना रिपिट रिपिटिवली आप सुनेंगे डेफिनीशन्स को उतनी ही आसानी से आपको वो याद हो जाएंगी उनके सेक्शन से आपको याद हो जाएंगे तो देखिए आपको पता है कि सेक्शन टू क्लास ट्वेंटी में कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन टू क्लास ट्वेंटी सीधे सीधे यही कहता है कि एनी इंस्टीट्यूशन विच इज़ इनकॉरपोरेटिड यानी कि कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि निगमित है वो कंपनी कहलाएगी तो यहाँ पे जो कंपनी की डेफिनेशन है द वेरी डेफिनेशन ऑफ द कंपनी इट्स सेज़ दैट इनकॉर्पोरेशन इज नेसेसरी बिकॉज इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन कैन ओनली बी कॉल्ड एज कंपनी क्योंकि सिर्फ इनकॉर्पोरेटेड इंस्टीट्यूशन ही हैं जिन्हें हम कंपनी मानते हैं तो यहाँ पर किसी कंपनी को कंपनी होने के लिए उसका इनकॉरपोरेशन ज़रूरी है तो आइए हम समझते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं कंपनी के निगमन से कंपनी को क्या क्या लाभ होते हैं तो देखिए जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट लाभ है ये कंपनी का एक इंपॉर्टेंट फीचर भी है मैंने जब आपको कंपनी की मैं विशेषताएं बता रही थी कि कंपनी की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि कंपनी का अपना एक अस्तित्व अलग अस्तित्व जो होता है कंपनी के मेम्बर से वो कंपनी का कंपनी की एक विशेषता होती है चारित्रिक विशेषता होती है और इसके साथ साथ ये कंपनी का एक कंपनी को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का लाभ भी आप इसे कह सकते हैं यानी कि जब हम कंपनी को निगमित कराते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है तो उस इन से जो हमें एडवांटेज uh, मिलता है वो एक एडवांटेज मिलता है कि कंपनी का अपना एक uh, अस्तित्व निर्धारित हो जाता है एक सेपरेट अस्तित्व हो जाता है कंपनी का अब वो सेपरेट अस्तित्व आपको पता ही है कि कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया जाता है पर इससे लाभ कैसे होता है आपको ये समझना है देखिए जब कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगी जब कंपनी की अपनी एक अलग कानूनी तौर पे एक अस्तित्व होगा जब कंपनी को आप एक पर्सन की तरीके ट्रीट करेंगे तो क्या होगा कि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ रख सकती है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी तो प्रॉपर्टी रख सकती है कंपनी स्यू कर सकती है और कंपनी स्यू हो भी सकती है तो इस केस में क्या होता है मान लीजिए कंपनी को कोई लॉस हुआ ठीक है तो अगर आपने कोई कंपनी खोली है और आप किसी कंपनी के मेंबर हैं तो जब कंपनी को लॉस होता है या फिर कोई कंपनी को स्यू करता है कोई कंपनी पे केस करता है तो ये माना जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी होने के तौर पर कि वो केस कंपनी पर किया गया है और मेंबर होने के तौर पर आप पे नहीं किया गया है यानी कि बीइंग अ मेंबर बीइंग द कंपनीज़ मेंबर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी वो कंपनी की जिम्मेदारी होगी क्योंकि यहाँ पर कंपनी को अलग से ट्रीट किया जा रहा है एक अलग अस्तित्व के तौर पर उसे देखा जा रहा है और इसमें मैंने आपसे एक केस डिस्कस किया था सैलमिन वर्सेज सैलमिन का केस इसमें मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर वो व्यक्ति एक कंपनी स्टैब्लिश करता है और अपने परिवार के सदस्यों को उसका मेंबर बनाता है पर जब वो कंपनी लॉस में चली जाती है तो जब क्रेडिटर्स होते हैं वो उससे लॉस में जाने के बाद जो उन्होंने क्रेडिट दिया होता है जो उन्होंने लोन दिया होता है उसके उसका हिसाब मांगते हैं उसके लिए वो अपना जो उन्होंने उधार दिया होता है वो वापस मांगते हैं तो यहाँ पर वो खुद भी एक क्रेडिटर के तौर पे काम कर रहा होता है कंपनी में तो कोर्ट यहाँ पे ये फैसला दे देता है कि Uh, वो जो जो भी क्रेडिटर्स ने उधार दिया है वो कंपनी को दिया है वो uh, मिस्टर सालमन को नहीं दिया हुआ है उधार तो यहाँ पर सालमन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उस उधार को चुकाए बल्कि वो खुद एक क्रेडिटर है कंपनी का तो uh, कंपनी के एसेट्स जो होंगे और कंपनी के जो भी uh, प्रॉपर्टीज होंगी उन्हीं के द्वारा उधार चुकाया जाएगा तो देखिए यहाँ पर उसको उसका फ़ायदा मिला सेपरेट लीगल एंटिटी होने का या अगर कंपनी को और उसको एक ही पर्सन माना जाता तो उसको फ़ायदा नहीं मिलता और वहाँ पर वो आ, आ, लाइबल हो जाता या उसका दायित्व बन जाता कि वो कंपनी के क्रेडिटर्स का उधार चुकाए ठीक है अब जो दूसरा एडवांटेज मिलता है इनकॉर्पोरेशन का वो लिमिटेड लाइबिलिटी है ये भी एक फ़ीचर है कंपनी का देखिए ये एडवांटेज ऑब्वियसली सिर्फ जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं जिनमें लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज होती हैं उन्हीं में ये एडवांटेज मिलता है जो अनलिमिटेड कंपनीज़ होती हैं उनमें ये एडवांटेज नहीं मिलता है ठीक है लेकिन अनलिमिटेड कंपनीज तो आज के समय में कम देखी जाती हैं मोस्टली लोग इसीलिए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ही ओपन करते हैं तो इसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का मतलब यही होता है कि अगर आपने किसी कंपनी का कोई शेयर ख़रीदा हुआ है या अगर आपने को आप किसी कंपनी के क्रेडिटर हैं तो आप ने जितने जितना क्रेडिट दिया हुआ है मान लीजिए सौ रुपये का शेयर है और आपने सिर्फ उस सौ रुपये के शेयर के साठ uh, रुपये दिए हुए हैं और चालीस रुपये नहीं दिए हुए हैं तो जब कंपनी वाइंड अप होगी वाइंड अप के केस में आपकी सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी आप सिर्फ उतनी वैल्यू पे करेंगे जो कि अनपेड है यानी कि जितने शेयर की, जि, की वैल्यू आपने नहीं दी हुई है आप सिर्फ उतना हिस्सा पे करेंगे उतनी आपकी लाइबिलिटी रहेगी तो यहाँ पे एक फ़ायदा यह मिलता है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी से आप बच जाते हैं और आपको सिर्फ उतना हिस्सा पे करना होता है जितना आपने पे नहीं किया है तो ये एक एडवांटेज हो गया फिर तीसरा एडवांटेज हमारा आता है जनरेशन ऑफ़ कैपिटल देखिए जब कंपनी निगमित होती है तो कैपिटल जनरेट करना इजी होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे जैसे आपको मैंने बताया कि लिमिटेड लाइबिलिटी लग जाती है तो जब लिमिटेड लाइबिलिटी होती है तो शेयर्स होते हैं और शेयर्स जब होते हैं तो शेयर्स के थ्रू क्या है कि आप कैपिटल जनरेट कर सकते हैं यानी कि आप शेयर्स या फिर डिबेंचर्स जो है पब्लिक में उतारते हैं और लोग उसे खरीदते हैं तो आपके पास पैसा आता है तो कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा जमा पूंजी एक कर सकते हैं कैपिटल का बेसिकली कैपिटल जनरेट कर सकते हैं इसी तरीके से uh, आप बैंक लोन्स भी कंपनी को इजीली मिल जाते हैं उसका रीजन ये है कि कंपनी पे हमेशा फ्लोटिंग चार्ज लगता है ये फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है कि कंपनी uh, uh, के जो एसेट्स लगातार चेंज होते रहते हैं वो और उन एसेट्स पे हमेशा इंटरेस्ट लगता है तो बैंक अगर आपको मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है या जितनी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनस हैं वो आपको लोन देते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट का किसी कंपनी को लोन देते हैं तो उन्हें पता होता है कि फ़्लोटिंग चार्ज पर उन्हें इंटरेस्ट मिलता रहेगा जो चेंजिंग एसेट्स हैं कंपनी के उनकी वैल्यू के बराबर उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा तो इसकी वजह से वो लोन सिक्योर्ड होता है बेसिकली तो इसलिए इज़िली लोन मिल जाता है अगर आप अकेले मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप लोन लेने जाएं तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि उन्हें है कि उसमें सिक्योरिटी कम रहती है तो एक ये एडवांटेज होता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने का फिर चौथा जो है परपेचुअल सक्सेशन निरंतर उत्तराधिकार के नाम से जिसे हम जानते हैं इसके बारे में ये भी एक फीचर होता है कंपनी का और ये एक तरीके से एडवांटेज है कैसे ये मैं आपको बताती हूँ देखिए परपेचुअल सक्सेशन की जो बात है वो सेक्शन नाइन में लिखी हुई है तो इसमें क्या होता है कि निरंतर उत्तराधिकार का जैसा कि आपको मतलब पता है कि लगातार कंपनी का उत्तराधिकार किसी न किसी को मिलता रहता है कंपनी ट्रांसफ़र होती रहती है तो इसमें मान लीजिए किसी कंपनी के किसी एक मेंबर की डेथ हो जाती है या फिर ये मान लीजिए कि कंपनी इंसॉलमेंट हो जाती है दिवालिया हो जाती है या कंपनी का सॉरी कंपनी का कोई मेंबर दिवालिया हो जाता है तो उसका कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कंपनी का जो उत्तराधिकार है वो दूसरे मेंबर्स के पास चला जाएगा और कंपनी लगातार चलती रहेगी यानी कि कंपनी को वाइंड अप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिज़नेस बंद नहीं होगा तो ये एक फ़ायदा मिलता है इन का अब जो पांचवा एडवांटेज है वो ये है कि प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स अगेंस्ट लॉस यानी कि जो कंपनी के निवेशक होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपको लोन देते हैं जो कंपनी में निवेश करते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है वो निवेश क्यों करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुरंत आपको फटाफट से कंपनी के ऊपर लोन मिलता है या आप शेयर जारी करते हैं तो लोग खरीद लेते हैं ठीक है क्योंकि हर कोई थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाता है तो पहली बात तो उसका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है प्लस दूसरा क्या है कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाने की वजह से कॉमन मैन जैसे हमारे और आपके जैसे लोग कंपनी में ईजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये जो कंपनी के निवेश तो हमारे आपके जैसे लोग भी कंपनी के निवेशक हो सकते हैं अब मान लीजिए कि आप जैसे कॉमन मैन है वो ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट करने से डरता है कम या फिर बिज़नेस खोलने से डरता है क्योंकि बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है तो यहाँ पर आप कुछ शेयर्स ख़रीद के कंपनी के प्रॉफिट का लाभ उठा सकते हैं और इसके अलावा कंपनी को एक और एडवांटेज मिलता है कि चूँकि कंपनी के इन्वेस्टर्स को कम यहाँ पर लॉस होने का खतरा कम होता है और उनके शेयर्स की वैल्यू ईजिली निकल आती है तो कंपनी यहाँ पर ईज़िली मनी बोरो कर सकती है क्योंकि uh, क्या होता है कि छोटे छोटे शेयर्स uh, जब आप लॉन्च करते हैं तो uh, हर कोई व्यक्ति उसमें इन्वेस्ट करने की क्षमता रखता है और इससे आपको इजीली आपका कंपनी uh, को uh, अगर पैसों की ज़रूरत होती है या जमा पूंजी की ज़रूरत होती है तो इजीली वो मनी वो उधार ले सकते हैं उन्हें इजीली uh, एक्सेसिबल हो जाती है वो कैपिटल ठीक है अब इसके बाद जो हमारा छठा जो एडवांटेज आता है वो आता है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का देखिए जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं या जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनका सिर्फ फॉर्मेटिव कंट्रोल होता है एक वो सिर्फ कंपनी के फॉर्मेशन में या कंपनी के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मदद करते हैं और इसके अलावा वो फॉर्मल कंट्रोल रखते हैं ठीक है यानी कि कंपनी का प्रॉफिट वगैरह होगा तो उनको वो प्रॉफिट मिल जाएगा बट जो कंपनी का मैनेजमेंट होता है यानी कि मैनेजमेंट जो कि डायरेक्टर्स के थ्रू चलता है देखिए कंपनी कैसे चलती है डायरेक्टर्स के थ्रू चलती है वो डायरेक्टर्स अपने अंडर में लोगों को हायर करते हैं वो कंपनी चलाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं है पर आप वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो लोग अपना पैसा लगा के अपनी जमा पूंजी लगा के वो बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं और उसके लिए उसको चलाने के लिए बेस्ट प्रोफेशनल्स हायर करते हैं एज़ डायरेक्टर्स यानी निदेशक के तौर पे जो कि उस बिजनेस से रिलेटेड जानकारियाँ रखता है उन लोगों को डायरेक्टर्स के तौर पे हायर करते हैं और वो लोग आपका बिजनेस रन करते हैं तो इससे क्या रहता है कि वो लोग हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट में काम करते हैं और प्लस वो इंडिपेंडेंट होते हैं उन्हें आ, बेस उन्हें बेसिकली इस बात से मतलब नहीं होता है कि कंपनी में क्या पैसा कंपनी में किसने पैसा लगाया है किसने नहीं लगाया है वो कंपनी में एज प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं और उसके बदले में उन्हें सैलरी मिल रही होती है तो इसलिए हमेशा अच्छा से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और इससे कंपनी को फ़ायदा होता है अब देखिए इसके अलावा कुछ और भी एडवांटेजेस हैं कंपनी के जो कि आप ऐसे इन जनरल तौर पे जान सकते हैं वो ये है कि मान लीजिए कंपनी uh, uh, को जो मैंने लिमिटेड लाइबिलिटी का आपको क्लॉज बताया कि कंपनी के पास लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है तो उसके साथ साथ कंपनी के पास ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का भी ऑप्शन रहता है देखिए लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी शेयर्स रहेंगे कंपनी के पास तो वो शेयर्स कंपनी uh, जिस जिनके भी शेयर्स हैं वो हमेशा दूसरों को वो शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे खरीद सकते हैं वो बेच सकते हैं तो इससे क्या है कि उनकी लाइबिलिटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है जैसे मान लीजिए आपने शेयर खरीदा और आपने किसी और को बेच दिया तो आपकी लाइबिलिटी वहीं पर समाप्त हो गई तो अब आपको उस से कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर आ, क्या होता है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर रहने से एक तो मूवेबिलिटी बनी रहती है दूसरा मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि आप नुकसान में जा रहे हैं या आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपने तुरंत शेयर बेच के पैसे निकाल लिया आपका पैसा वापस आ गया आपकी जिम्मेदारी वहीं पर ख़त्म हो गई कंपनी के टूवर्ड्स और दूसरे बंदे की जिम्मेदारी शुरू हो गई तो इससे क्या है कि आपको किसी भी व्यक्ति को जो भी शेयर होल्डर है उसको भी नुकसान नहीं होता और कंपनी को भी नुकसान नहीं होता है और अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। देखिए डिसएडवांटेजेस जो हैं कंपनी के वो मेनली दो ही हैं पर ये दो डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ बट मैं आने वाले लेक्चर्स में इनसे पूरी तरीके से डील करूँगी uh, क्योंकि uh, ये डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं जो कि आपसे अकेले uh, एक सेपरेट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है एग्जाम में तो इसलिए इनको डिटेल में डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो मैं नेक्स्ट uh, वीडियोज़ में इनको डिटेल में डिस्कस करूँगी पहले मैं लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल जैसे कि हम कॉरपोरेट uh, पर्दा सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं या कॉरपोरेट घूंघट सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं इसके बारे में ये एक डिसएडवांटेज होता है और दूसरा पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स यानी निदेशकों का कुछ पर्सनल दायित्व हो जाता है कंपनी के टूवर्ड्स अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है तो, तो ये दो डिसएडवाटेजेज हैं लेकिन अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देती हूँ कि लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल में क्या होता है देखिए लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल में होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन समझते हैं कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं होती है तो ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी को ये जो एक तरीके से जामा पहनाया जाता है या फिर आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से कंपनी को कवर अप दिया जाता है ये कह के कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है फ़िक्शन ऑफ लॉ के द्वारा यानी कि जो कानून है हमारा वो हमें एक ये आ, एडवांटेज देता है कि हम कंपनी को कवर अप कर सकें या कंपनी के लोगों को कवर अप कर सकें यह कह के कि कंपनी कंपनी जिनके द्वारा बनाई गई है उन लोगों से अलग है उन लोगों से डिफरेंट है तो जैसा कि आपने सोलमन केस में देखा कि वहाँ पर उसको एडवांटेज मिला हालांकि उस कंपनी में सारे सदस्य उसके परिवार के लोग ही थे पर फिर भी उसको वहाँ पर एडवांटेज मिला ये कहते हुए कि कंपनी एक सेपरेट संस्था है और वो कंपनी से अलग है तो मेंबर्स की जिम्मेदारी नहीं बनेगी और वो अपने दायित्व से मुक्त हो गया तो इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग फ्रॉडुलेंट मीन्स के लिए या फिर आ, आ, किसी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कंपनी को फॉर्मेशन करते हैं लोगों से पैसे बोरो करते हैं और उसके बाद वो पैसे वो वापस नहीं करते और ये कह देते हैं कि कंपनी लॉस में चली गई तो यहाँ पर और इसमें क्या है उनकी पर्सनल जिम्मेदारी भी नहीं बनती क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कानून की नज़रों में कि कंपनी अलग है और वो लोग अलग हैं वो सेपरेट हैं तो यहाँ पर कंपनी का दायित्व बन जाता है तो इस चीज़ को हटाने के लिए ये एक डिसएडवांटेज होता है तो इस चीज़ को हटाने के लिए कई बार कोर्ट क्या करता है कि इस कॉरपोरेट वेल को लिफ्ट करता है और ऐसा मानता है कि जो लोग कंपनी चला रहे हैं कंपनी हमेशा लोगों के द्वारा ही चलती है क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो कंपनी किसके द्वारा चलेगी नेचुरल नेचुरल पर्सन के द्वारा तो जो लोग कंपनी को चला रहे हैं वही लोग इन सारे कार्यों के ज़िम्मेदार होंगे तो ऐसे केसेस में लिफ्ट इसे हम लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट वेल के नाम से जानते हैं और ये इन कॉरपोरेशन का डिसएडवांटेज होता है कि कुछ केसेस में निगमित कंपनियों के ये जो का ये जो कवरअप होता है आर्टिफिशियल पर्सन का इसको हटा दिया जाता है और उनके मेंबर्स को उसी सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है मतलब कंपनी और उनके मेंबर्स को अलग अलग नहीं माना जाता है इसी तरीके से कुछ केसेस ऐसे होते, है, कुछ होते हैं कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो कंपनी के निदेशक होते हैं उनको पर्सनली लायबल ठहराया जाता है यानी कि वो कंपनी के किसी कि किन्हीं कि कार्यों में उनका अपना पर्सनल दायित्व होगा वो उस चीज़ के लिए पर्सनली लाइबल होंगे तो ये सिचुएशंस कौन सी होती हैं किन सिचुएशंस में कॉरपोरेट वेल हटाया जाता है किन सिचुएशंस में कंपनी के डायरेक्टर्स को का दायित्व तो निर्धारित किया जाता है ये सिचुएशंस के बारे में हम डिटेल में डील करेंगे और यही सिचुएशंस एग्जाम में पूछी जाती हैं आपसे तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ आया है तो यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट थैंक यू सो मच टिल देन स्टडी हार्ड एंड बाय